ठंडा ठंडा मौसम और हम लोग ने चेरी खरीदा था तो चेरी खाते। पिक्सी तुमको भी खाना है क्या? हैं तुमको भी खाना है? साहब देखिए बर्फ़ जम रही है पूरा और अभी आगे से फिसलती हुई भी गिर रही है। तो पल्लवी तुम्हारे गाल तो बिल्कुल चेरी जैसे लग रहे हैं, लाल लाल। और लाल तुम चेरी पहनी भी हो जैकेट। और ये क्या क्या लाई हो? मतलब चेरी भी खा भी चेरी रही है। अब मुझे तुम्हारा पता चला राज, लाल लाल गालों का। धोयो धो जल्दी धो खाया जाए, भूख भी लगी है। ये यही उगता होगा ना? हाँ हिमाचल से आता होगा। हिमाचल में होगा, ठंडों में होता है। टेस्टी, प्योर ब्लिस। बाहर बर्फ पड़ी हो, सामने स्नोफॉल हो रहा हो, आप महिंद्रा वन BHK में हो और सुंदर सी बीवी बगल में हो और वो चेरी खिला रही हो, और क्या चाहिए आपको? तो ये देखिए नॉर्थ पुल्लू चेक पोस्ट। तो यहाँ पे भी आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब चाय कॉफ़ी मैगी ये सब मिल जाएगा और टॉयलेट भी है, तो सही है। तो ये था नॉर्थ पुल्लू। तो जब परमिट हम लोगों ने लिया था तो हमारे एजेंट ने दो फोटोकॉपीज भी दी थी, तो एक हमें पहले साउथ पे देना पड़ा और दूसरा भी नॉर्थ में दिया। सो जब आप खरदुंगला पास क्रॉस करते हैं तो आपको दोनों साइड पे परमिट की कॉपी देनी पड़ती है। सो कैरी करके, वैसे तो एजेंट्स जानते हैं वो, लेकिन अगर आप खुद से ले रहे हैं तो उसकी दो कॉपी ज़रूर रखिएगा। वो स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही होने लगी। अब आप देखें कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रही, कितनी ज़्यादा, पूरा कॉटन जैसा। नॉर्थ पुल्लू क्रॉस करने के बाद रास्ता ख़राब है, मतलब काफ़ी ख़राब है, बन रही है। ऐसे ही रोड मिलेगी आपको कम से कम 5 किलोमीटर अराउंड। सो अभी भी यही कंटिन्यू हो रहा है और आप आगे देखो मौसम क्लियर हो रहा है, धूप आ गई है और जो ब्लू स्काई दिख रहा है इतना सुंदर लग रहा है। खारदुंग विलेज, ये भी 14,000 फीट ऊपर है और आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है और यहाँ भी रहने के लिए जगह है और रेस्टोरेंट्स वगैरह है। और हम अभी जा रहे हैं हुंदूर। वाह, हरा पहाड़। ओ वाह, बहुत धूप है अभी। और तो हम लोग ने अभी जैकेट, मनीष ने तो जैकेट उतार दिया और मैं यहाँ पे व्यू एंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये देखिए लाल पहाड़ हो गया साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाल, फिर ब्राउन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, ग्रीन, वाइट, अलग अलग शेड्स के पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अभी नीचे ऑलमोस्ट आ गए हैं हम लोग, अभी और अराउंड 35 किलोमीटर्स होगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक शेड ऑफ लाइक पर्पल और पिंकिश कलर के पहाड़ है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे आँखों से तो
पिंकिश और पर्पल टाइप के कलर्स है। बर्फ से होते हुए अभी इतना ठंड था, अभी यहाँ पे धूप बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो अभी टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, कहाँ हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर खरदुंगला में थे। तो आगे देखिए, वैली इतना सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग नीचे उतरते जा रहे हैं सैंड ड्यून्स के पास, कुंडर सैंड ड्यून्स। यहाँ पे देखिए, ये बाइकिंग पॉइंट है, डर्ट बाइकिंग। तो ATV राइड हाँ, हम लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग अपने महिंद्रा 1BHK में राइड करके खुश है। ये देखिए और एक यहाँ पे पॉइंट है, ये देखिए डर्ट बाइकिंग, पूरा सैंड है। हाँ पूरा सैंड है, तो आप यहाँ पे ऐसे बाइक लेके जा सकते हो। डेजर्ट हिमालय पर बाइक 1000 रुपीज, बाप रे बाप। ये देखिए डेजर्ट आ गया, हुंडर डेजर्ट नुब्रा वैली। तो इसमें पूरा सैंड ड्यून्स है, आप आगे देख सकते हो पूरा सैंड सैंड है। सो हम लोग ये हुंडर जा रहे हैं। तो हुंडर इज अ स्मॉल विलेज इन नुब्रा वैली, और यहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स मिल जाते हैं, और प्लस एक मॉनेस्ट्री है, हुंडर मॉनेस्ट्री। यहाँ बहुत सारे रहने के भी जगह है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द नुब्रा वैली ओनली, मतलब नुब्रा वैली एक वैली है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे विलेजेस है। तो हुंडर इज़ वन ऑफ द विलेजेस वेयर वी आर गोइंग नाउ। सो वी विल गो देयर एंड हैव सम लंच एंड थोड़ा बहुत देख दुख के वापस आ जाएंगे। तो यही है हुंडर सैंड ड्यून्स का लोकेशन। यहाँ पे आगे कैमल राइड कर सकते हो, डर्ट बाइक कर सकते हो। हुंडर सैंड ड्यून्स का लोकेशन, यहाँ पे उस तरफ कैमल राइड और फिर डर्ट बाइकिंग आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बट हम तो ऐसे ही आ गए, हम ये सब नहीं करेंगे, बस एक दो फोटोग्राफ्स खिंचाएंगे और फिर चल देंगे यहाँ से। बहुत सुंदर लग रहा है इधर, आप देख सकते हो पहाड़ दोनों साइड में, बीच में नदी, और उधर स्नो कैप माउंटेंस, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत मतलब यहाँ आके एक बिल्कुल मन को शांति मिल रही है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे कैमल राइड्स हो रहा है, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि पिक्सी है, पिक्सी को फिर हम लोग को रुकना पड़ेगा। ये देखो तो यहाँ से ले है 125 किलोमीटर, आते समय तो दिखा रहा था कि 3 घंटा 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको लग गया 6 घंटा। और ऑब्वियसली ये रास्ते में फ़ोटो खींचते हैं ये सब, तो अब लौटते हुए कहीं नहीं रुकना है, केवल पल्लवी को खाना नहीं मिल रहा है और हम लोग खा रहे हैं एप्पल। सो अच्छा हुआ हम लोगों ने फ्रूट्स ले लिए थे, सो वही खा रहे हैं। देखते हैं कहीं अगर खाना बढ़िया मिलता है तो रोक के खा लेंगे, वरना सीधे दापते हैं और फिर पल्लवी को खिलाएंगे बढ़िया वाला चिकन इस बार आज रात को ले। सो अभी बज रहा है 3:30 और हम लोग वापस जा रहे हैं हुंडर से ले वापस। वही टाइमिंग दिखा रहा है 3:30 अराउंड लगना चाहिए। तो अभी आगे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मूर्ति बनी है, तो वो है डिस्किट मॉनेस्ट्री और या फिर डिस्किट गोम्पा, ये लोग गोम्पा बोलते हैं, मॉनेस्ट्री को गोम्पा बोलते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इन द नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख। तो
देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग अभी ऊपर नहीं जाएंगे, बट आपको ट्राई करते हैं कि भीतर बाहर से ही दिखा दें। तो ये है देखिए, एक मूर्ति है, यही है दिस्किट मॉनेस्ट्री और दिस्किट गोम्पा। बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब आई एम श्योर कि ऊपर से तो और भी बहुत बढ़िया नज़ारा होगा। So welcome to Diskit Monastery, above 1 kilometer. Wow, बहुत सुंदर लग रहा है ये। देखिए ऊपर कैसे घर बने हैं यहाँ पे। तो एक बाइकर ग्रुप जा रहा था और टर्निंग में उन्होंने साइड में लड़ गया और हम लोग का जो इंडिकेटर वाला है जो मिरर में, वो तोड़ के चला गया। हम लोग तो रोके हैं कि शायद उनको ना चोट लगी हो, इसीलिए हम लोग रोके हैं देखने के लिए, लेकिन दे जस्ट फ्लू अवे। ये देखिए, घुमा घुमा के चला रहे थे और तोड़ दिया पूरा ये गया। हम सोच रहे हैं बेचारे को चोट ना लग गई तो हम रोक के गाड़ी रोके और भाग गया। ये लोग बिना ढंग से पहाड़ों पे चले आते, नशे में चलाते हैं गाड़ी। हम लोग रोके कि कहीं उनको चोट ना लगे, गिर गया क्या, ये समझ के हम तोड़े रोक दिए थे। और हमको पता भी नहीं था कि हम लोग की ग्लास टूट गई है, लेकिन वो लोग रुके ही नहीं, वो भाग गए, क्योंकि उनको पता है ना कि उनकी गलती थी, तो वो लोग रुके ही नहीं। चलाने का सहूर नहीं होता है। तुम बहुत ज्यादा डर गई, मैंने देखा। मैं डर गई, सही में। नहीं, ऑब्वियसली मुझे भी लगा, मैं जबकि अपने साइड किनारे चल रहा हूँ, हॉर्न मारा, धीमे भी हूँ, वो आके खुद ही लड़ गए। हम सोचे फिर भी चलो रोको, देखें कहीं कुछ चोट टोट ना लगी। देखा भाग गया, ऊपर से हमारा वो भी तोड़ गया। लेकिन अगर ये बाइकर ग्रुप देख रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज आप लोग जरा अच्छे से चलाओ, कि आप किसी और की जिंदगी को तबाह कर सकते हो, अपनी तो करोगे ही करोगे। कम से कम 20-25 बाइक्स क्रॉस गई हैं। हाँ, पूरा 20-25 बाइक नुब्रा के लिए गई हैं आज के दिन में, 17 तारीख। सीरियसली, बी सेफ गाइस, बी अलर्ट। देखिए क्या कर रही है, लेट के फोटो खिंचा रही है। आ जाओ, लेकिन गाड़ी में खाना पड़ेगा। हाँ, गाड़ी में खाएंगे। प्लेट चाहिए, वेज का प्लेट। वेज जस्ट टू, वेज तीन, तीन का दो कीजिएगा और दो चाय, और दो चाय चाय। तो फाइनली अभी वो आर्मी बेस कैंप के आसपास एक होटल मिला, मतलब ढाबा टाइप्स, तो वहाँ पे हम लोग ने अभी मैगी ऑर्डर किया है, तो बहुत जोर से भूख लगी है, तो मैगी और चाय खाएंगे। पिक्सी, यू आर हंग्री? आर यू हंग्री? बॉयल्ड एग है क्या उसके पास? पिक्सी से मिलने लद्दाखी कुत्ते आए हैं। पिक्सी शू, मामा मेरा। चाय आ गई हमारी। आहा हा, वाह वाह, बहुत मीठी चाय है। आराम से बढ़िया मैगी आ गई, गरम गरम मैगी। मैगी खाएंगे, पिक्सी मैगी खाओगी थोड़ा सा? Thank you.
यही कौन सी चिड़िया है, लद्दाख की स्पेशल कुछ तो है, ये सुंदर लग रही। ये जो रोड है बहुत नैरो है, पतली सड़क है, तो अंधा मोड़ है, तो बड़ा मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं से ट्रक व्रक ना आ जाए। तो दो तीन बार ऐसा हो गया है कि मोड़ में ही ट्रक या फिर गाड़ी एनकाउंटर हो जा रहे तो दिल में थोड़ा सा एक धक 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 हो रही है। तो मैं मनीष को थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि हाँ गाड़ी आ रही है उस तरफ से, नहीं आ रही, क्योंकि ड्राइवर सीट से अंधे मोड़ पर दिखाई नहीं देता है पूरा। तो ये देखिए, एक फिर वापस अभी हम लोग खारदुंग विलेज पहुंच गए हैं, और ये सब क्रॉस करते करते अभी हम लोग फिर बर्फ़ों वाली पहाड़ में जाएंगे, खारदुंगला पास। तो ये सजेशन है कि आज तो हम लोग देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट 10 o'clock निकले हैं लेह से, सो वी गॉट लेट, है ना। तो अगर आपको वन डे विज़िट करना है, डे विज़िट करना है लेह से नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली में आपको एक्टिविटीज़ करने हैं जैसे कि कैमल राइड और डर्ट बाइकिंग वगैरह, तो वहाँ पे आप मान के चलो कि 2 घंटा तो आपको वहाँ पे स्पेंड करना है। तो ट्राई टू स्टार्ट अर्ली फ्रॉम ले, अराउंड 6 o'clock अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप जल्दी मतलब 11-12 बजे तक पहुँच जाते हो, फिर 1-2 घंटा वहाँ पे रह के फिर 3 बजे आप स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से, और यू रीच ले लाइक डे में ही शाम होते होते, लाइक यहाँ पे तो 7:30 अंधेरा होता है, तो उतने में आप लाइट में ही आप पहुँच जाओगे, क्योंकि ये पहाड़ वाला रास्ता है, तो अगर दिन ही दिन में पहुँच जाओगे तो अच्छा रहता है। सो यही है, ट्राई टू स्टार्ट अर्ली, तब आपको टाइम मिल जाएगा। और हम लोग तो बस गए और छू के चले आए, बस गए और धप्पा दे के चले आए तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग रोड का मज़ा ज़्यादा लेते हैं, जर्नी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं रादर देन द डेस्टिनेशन। तो अभी जा रहे हो वापस, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, नैरो रोड्स हैं, तो अभी जा रहे हैं फिर से खारदुंगला पास होते हुए, एंड विल रीच ली। सो आई होप आप एंजॉय कर रहे हो इस राइड को हमारे साथ। 5:30 हो रहा है और फिर से अभी ख़राब रास्ता शुरू हो गया है, ये कंटिन्यू करेगा नॉर्थ पुलू तक खारदुंगला पास के। ये वाला पहाड़ देख रहे हैं, ये देखिए पीछे, इस वाले पहाड़ के पीछे जो वाइट कलर का बर्फ वाला पहाड़ है, तो मिल्की वाइट है, और वही है खारदुंगला पास। तो दिन ही दिन में हम लोग सोच रहे हैं कि इसको क्रॉस कर लेने से अच्छा रहेगा, कि रोड कंडीशंस भी अच्छे नहीं है। ये बर्फ आज कल खूब गिरी है ना, और आज सुबह तो बिल्कुल दूध की जैसे लग रहा है। हाँ, तो 2 दिन से मौसम खराब है, और आज तो हम लोग ऑन द वे आपने देखा है कि बर्फ गिरी है, तो पूरा वाइट है। सो 6 o'clock एंड वी हैव रीच्ड नॉर्थ पुलू। तो यहाँ से अभी खारदुंगला पास क्रॉस करेंगे, तो अराउंड 50 kilometers लेफ्ट टू ले, और अभी 6 बज रहा है, देखिए अभी भी पूरा लाइट है, तो सही टाइम है। तो चलिए अभी देखते हैं ऊपर, अभी तो जब आते समय तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, अभी तो नहीं है स्नोफॉल, ऊपर देखते हैं क्या सिचुएशन है। चाहिए दे दो। ओ, ये देखो कितना सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट है। वे क्या कर रहे हो भैया, ठंड लग गई, जम गया हाथ खारदुंगला पास हम लोग ने अभी क्रॉस किया, जस्ट क्रॉस किया। तो ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर इज़ 2 degrees, और हम लोग कैबिन टेम्परेचर 28 degrees मेंटेन किए हुए हैं, बहुत ठंड है, रात में माइनस में तो जाता ही होगा, और बहुत ठंड है। बट ये व्यू आप ना एंजॉय करने के लिए
एक बार तो बनता है, वंस इन अ लाइफ टाइम लद्दाख इज अ मस्ट, वंस इन अ लाइफ टाइम। क्या है ये सब, भैंसिया है क्या? भैंसिया नहीं है, याक है, बहुत सारे। देखो सब चर रहे हैं, पता नहीं क्या चर रहे हैं, माउंटेन पे खड़े होते कई सारे हैं काले काले। सो फाइनली हम लोग अभी ले पहुंचने वाले हैं, 5 to 6 किलोमीटर्स रह गया है हमारे होम स्टे तक। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, खरदुंगला पास गए, फिर नुब्रा वैली कवर किया, तो इट वाज अ वेरी गुड डे ट्रिप। तो बट वही है, थोड़ा सा टाइम लेके और आना चाहिए था सो दैट हम लोग थोड़ा सा कैमल राइड और ये सब कर सके। वैसे हम लोग को इतना इंटरेस्ट है नहीं हम दोनों को ही, तो हम लोग बस ड्राइव को एंजॉय किया आज। सो ऑलमोस्ट लाइक 10 hours का ड्राइव हो गया है, जाते समय 5 hours लगा और अभी आते समय ऑलमोस्ट लाइक 4 hours। और तो चलिए, इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक बाय बाय एंड स्टे हेल्दी। बाय 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 बाय।